जिंदगी में जीत और हार नहीं होती, बस होता है तो कड़ा संघर्ष जिंदगी का जो हमें हमेशा करना पड़ता है, पर फिर भी हम कभी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हारेंगे। बस रह जाती है तो संघर्ष की वो कहानियां जो आने वाली पीढ़ी को सुनाई जाती है। आज कहानी 25 साल की उम्र में शहीद होने वाले उस शख्स की है जो अपने ही घर के भेदी के 500 रुपए में बिक जाने पर हुई गिरफ्तारी और फिर मौत से जुड़ी है। हम बात कर रहे हैं भगवान बिरसा मुंडे की, जिन्हें आज भी लोग भगवान मानते हैं। भगवान बिरसा को मारना अंग्रेजी शासन का सपना था, क्योंकि अंग्रेजों के लिए बिरसा मुंडे वह करारी तलवार बने हुए थे जिस पर सवार हर अंग्रेज कटकर मर रहा था। बिरसा मुंडे अंग्रेजों को ऐसे जवाब दे रहे थे कि उनको मारना अंग्रेजों के लिए एक सपना ही रहता, पर घर के बेदी ने बिरसा मुंडे को पकड़वा दिया और अंग्रेजों ने सिर पर साफा और खुले बदन वाले बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। पर फिर भी बिरसा अपने बेदी से नाराज नहीं हुए और उन्होंने कहा कि मुंडा के लिए 500 रुपये सपना है तो 500 रुपये के लिए मुझे क्यों नहीं कोई दगा देता। उस समय के लिए 500 रुपये बहुत मायने रखते थे। गिरफ्तारी के 4 महीने बाद आदिवासी संस्कृति को पुनर्जीवित करने वाले बिरसा जेल में मरे हुए मिले। किसी ने कहा कि अंग्रेजों ने जहर देकर मार दिया तो किसी ने कहा कि हैजे की बीमारी से मर गए। मौत का सच कुछ भी हो पर वे अपना संघर्ष छोड़ गए और आज भी उनके नाम पर आदिवासी संघर्ष ही कर रहे हैं, अपने जंगलों के लिए तो कहीं अपने वजूद के लिए।